हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बथुआ रायता। ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके साथ में हम बनाएंगे जीरा राइस। ये देखिए, ये बहुत ही खिला ये राइस बनेगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बथुआ रायता और जीरा राइस बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखना, आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। तो चलिए पहले हम रायता बना लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बथुआ लिया है। बथुआ का जो मोटा वाला डंठल होता है उसको हटा दीजिए और जो पत्तियाँ हैं वो ले लीजिए। बथुआ को अच्छे से धो लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसलिए इसको 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब हमें सबसे पहले बथुआ को उबालना है। एक बड़े से बर्तन में पानी ले लीजिए और उसको उबाल लीजिए। फिर इसमें हम बथुआ डाल देंगे। बथुआ डालकर इसको एक बार अच्छे से गर्म पानी में मिक्स कर लेना है और इसको 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। 2 मिनट में ही ये बथुआ जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखिए, आप देख सकते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक छलनी में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और ये देखिए, बथुआ हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम पीस लेंगे। एक ग्राइंडिंग जार ले लीजिए और इसमें ये सारा बथुआ डाल दीजिए। तीखापन करने के लिए हम यहाँ पर इसमें हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। ये देखिए, मैंने ये 2 हरी मिर्च ली हैं, इनको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अच्छे से पीस लीजिए। अब हम दही लेंगे। दही आप मार्केट वाला, घर वाला कोई भी ले सकते हो। और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे ये बथुआ वाला पेस्ट। और ये देखिए, बथुआ का कितना अच्छा कलर आया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी जार में हम 1 चम्मच दही डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, इसको अब हमें यहाँ पर बढ़िया से मिक्स कर लेना है ताकि बथुआ जो है दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए, आप ये वाला रायता ज़रूर से ट्राई करके देखना, बहुत ही हेल्दी होता है बथुआ रायता। आजकल तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा अच्छा बथुआ मिलता है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखिए। और इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। और ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और ये 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। काला वाला नमक डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और जो चाट मसाला डाला है उसे बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा रायते में। रायता बनाते हैं तो चाट मसाला ज़रूर से डाला जाता है, इसे रायते का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, ज़रूर से डाल दीजिए। और ये देखिए, यहाँ पर मसाले हमें इतने ही डालने हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इनका। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे रायते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, खुशबू आएगी। मैंने यहाँ पर ये 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल लिया है, इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा और गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखना है। राई डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच, रायते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाती है राई। और इसमें डाल देंगे हींग, थोड़ा सा डालना है 1/4 चम्मच। और ये 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ते लिए हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए 1/4 चम्मच। और ये देखिए, गैस की फ्लेम को एकदम लो पर रखना है, नहीं तो हल्दी जल जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे तीखी वाली हरी मिर्च, ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट करके डाल दीजिए। और ये तड़का हमारा रेडी है, इसको हम लगा देंगे रायते में। और ये देखिए, ये तड़का लगाने से रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, आप ये तड़का लगाकर बथुआ रायता ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और ये रायता बनकर हमारा तैयार हो गया है, इसको रख देंगे ढककर साइड में। चलिए हम यहाँ पर चावल बना लेते हैं। मैंने ये 1 कप चावल लिया है, आप कोई भी मेजरमेंट कप ले लीजिए। और ये देखिए, ये मैंने बासमती राइस लिया है। और जो ये कप लिया है, हम चावल बनाने में इसी कप का यूज़ करेंगे, इसी से हम सारा मेजरमेंट रखेंगे।
और पहले हमें यहाँ पर चावल को अच्छे से धो लेना है। 3 से 4 पानी से धो लीजिए, जब तक कि चावल में जितनी भी डस्ट है वो सारी निकल जाए। हमें यहाँ पर चावल को इतना साफ़ करना है कि जब हम लास्ट में चावल को पानी के अंदर डालें तो चावल एकदम साफ़ दिखाई देने चाहिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने चावल को अच्छे से धो लिया था और ये लास्ट पानी है जिसमें से चावल दिख रहे हैं, इतना हमें साफ़ करना है। और अब हम इस पानी को भी निकाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर चावल को तड़का दे देते हैं। मैंने यहाँ पर ये 1 छोटा चम्मच देसी घी लिया है। चावल को देसी घी में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी आती है देसी घी में बनाने से। और देखिए, घी जब गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें बाकी के खड़े मसाले ऐड करेंगे। और ये देखिए, घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा राइस बना रहे हैं तो जीरा डालना तो बनता है। जीरा डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच, 1 फूल चकरी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। ये खड़े मसाले डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चावल में इनका। और इन मसालों को हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेंगे। और ये देखिए, ये हमारे मसाले जो हैं, खड़े मसाले भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। और ये देखिए, चावल को मैंने यहाँ पर तुरंत ही धोया और तुरंत ही बनाया है। अगर आप इनको 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भिगोकर रखते हो तो इनको पकने में और भी कम टाइम लगेगा, पानी भी कम लगेगा, मैं आपको बता देती हूँ। और ये देखिए, चावल को हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इनमें जितना भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। और इससे क्या होगा कि हमारे जो चावल हैं वो एकदम खिले खिले बनेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैंने 1 कप पानी लिया था, इसमें मैं 1.5 कप पानी डाल दूंगी क्योंकि मैंने चावल को तुरंत ही धोया है और तुरंत ही बनाया है, इसलिए इसमें 1.5 कप पानी लगेगा। अगर आप 1-1.5 घंटा पहले भिगोकर रखते हो तो 1 कप चावल और 1 कप पानी बहुत ही बढ़िया मेजरमेंट है, आप ज़रूर से ट्राई करके देखना। और इतने ही पानी में ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा ताकि जो चावल हैं वो फीके फीके ना लगे। और ये देखिए, नमक डालकर एक बार अच्छे से मिला लीजिए और इसमें 1 उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। और ये देखिए, चावल में उबाल आ गया है, इसमें हम यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे। और ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक हम इनको पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिए, मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक पका लीजिए। और ये देखिए, 2 सीटी में ये बहुत ही अच्छे से ये चावल बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपने चावल भिगोकर रखे हैं तो आप सिर्फ 1 सीटी लगा लीजिए, उसी में आपके चावल जो हैं बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। और ये देखिए, 2 सीटी आने के बाद जो इसका प्रेशर वो अपने आप निकलने दीजिए। उसके बाद कुकर का ढक्कन खोल लीजिए और ये देखिए, जो हमारे चावल हैं कितने बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। इनको ज़्यादा नहीं गलाना है। और ये देखिए, कितने खिले खिले ये चावल बने हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया बने हैं। और खुशबू तो इतनी अमेजिंग आ रही है, आप ज़रूर से ट्राई करिए, देसी घी में बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए, किसी शादी पार्टियों में जो चावल बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, बहुत ही खुशबूदार होते हैं वो, क्योंकि उनमें ये खड़े मसाले डाले जाते हैं और उनको घी में बनाया जाता है। तो ये चावल हमारे बनकर तैयार हैं, रायता भी बनकर तैयार हो गया है। और ये देखिए, ये चावल, और ये हमारा रायता, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है बथुआ रायता और चावल का। आप एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।